बुरहानपुर जिले का एक मंदिर जहां शनिदेव स्वयं प्रकट हुए। दरअसल बुरहानपुर जिले से करीब 50 किलोमीटर दूर खकनार गांव के पास नदी के किनारे करीब एक दशक पहले स्वयंभू शनिदेव का मंदिर बनाया गया था। मंदिर के पुजारी ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव के एक पशुपालक के सपने में स्वयंभू शनिदेव प्रकट हुए, जिन्होंने कहा कि मैं इस व्यक्ति के खेत में इस स्थान पर हूं जहां मुझे विस्थापित कर मंदिर बनाया जाए। इस सपने को सच मानकर वास्तव में शनिदेव का विस्थापन किया गया और स्वयंभू शनिदेव का मंदिर बनाया गया। आज यहां दूरदराज के इलाकों और दूसरे राज्यों से श्रद्धालु पहुंचते हैं। हर शनिवार को यहां विशाल भोज का आयोजन होता है। चमत्कार का अनुभव करने वाले लोग यहां माथा टेकते हैं और इस तरह इस शनि मंदिर की प्रसिद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ये मूर्ति की विशेषता यह है कि ये किसी ने लाके बैठा ही नहीं मूर्ति, ये स्वयंभू मूर्ति उसकी प्रकट हुई है। अच्छा, इसकी पुराना इतिहास ऐसा है कि टेंभी गांव के जो ढोर जराने वाला पहले व्यक्ति रहता था उसको ढोरकी बोलते थे। उस ढोरकी के सपने में आया और उसने जगह सपने में बताई और सपने में ही उसने इलाज भी बता दिया कि भाई मैं उसी जगह हूँ, मुझे तो वहाँ से हलाना नहीं और मेरा मंदिर वही बनाना। अगर मंदिर बना लेंगे तुम्हारे पास पैसा ना हो तो उसका इलाज भी उन्होंने बता दिया। ये जो पहले ढोरों में सांडा रहता था जी, तो वो सांडा बोले को दूसरे गाँव वालों को भेज दिया, वो पैसों से बोले मेरा मंदिर। तो एक काशी भाई नाम के हमारे टेंभी गाँव के, उनका ये खेत भी है और ये मंदिर उनके खेत में आता है। उन्होंने बोला क्यों सांडा बेचते हो, मैं खुद ये सर बहुत दूर दूर से आते हैं। शनिदेव भगवान का स्थान है, ये शनिदेव का स्थान है। यहाँ दूर दराज से भक्त आते हैं, मेलघाट नगरी अन्य अमराती जिला, बैतूल जिला, बुरहानपुर जिला, ये खंडवा जिला, ये धरनली मेलघाट, ये हर एक मूल करके महू से इंदौर से लोग आते हैं, नागपुर से लोग आते हैं। तो क्या हर शनिवार के दिन यहाँ भजन कीर्तन होते रहता है? यहाँ हर शनिवार को भजन कीर्तन होता है, बाबा के नाम से हर शनिवार भजन होता है। आपका नाम? मेरा बलराम दादू सोला कौवाल।